हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर सिंह पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लाए हैं। जितनी इंपॉर्टेंट अपडेट आज के न्यूज़पेपर में आई है और आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी की सारी अपडेट हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक जो बड़ी अपडेट है वो है बिहार में 10 लाख पदों की घोषणा कर दी गई है। जी हाँ, कल जो है यहाँ पर जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के तेजस्वी यादव जी, उन्होंने कल ये बता दिया है कि हम 2025 तक 10 लाख पदों पर भर्ती करने वाले हैं। तो आज की इस अपडेट पर हम लोग इसको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। साथ ही साथ 10,000 पदों में पर जो है बैंकों में भर्ती है उसको भी हम लोग देखने वाले हैं, और एनआईओ टेलेट के भविष्य पर फैसला होने वाला है उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और आप इसी प्रकार की अपडेट चाहते हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप जरूर दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए गए, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बात करने वाले हैं सीटेट प्राइमरी लेवल की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु पब्लिकेशन की। आप इसको देख सकते हैं और इसमें लगभग पूरे के पूरे यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट है उनको यहाँ पर समाहित कर दिया गया है और बेहतरीन सिलेबस के अनुसार जो है इस बुक को जो है यहाँ पर डिजाइन किया गया है। आप लोगों को अगर ये बुक चाहिए तो आप लोग जो है इसको मार्केट में भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से भी आप ले सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको इसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी दे दिए गए हैं, उसको भी आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से और किस लेवल से जो है यहाँ पर एग्जाम में जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ जो यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर दिए गए हैं, प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, उसमें एक्सप्लेनेशन भी आपको बहुत ही जबरदस्त देखने को मिल जाएगी। तो चक्षु पब्लिकेशन की ये जो बुक है वो काफी जबरदस्त है। साथ ही साथ आपको स्क्रीन पर जो ये बुक्स दिख रही है, आपको चैप्टर वाइज भी जो है बुक मिल जाएंगे, उसके अच्छे तरीके सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। तो इन सभी बुक को लेकर आप अपनी तैयारी को जबरदस्त कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहां पर देखिए, 2025 तक 10 लाख लोगों को रोजगार देगी सरकार। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि 2025 तक महागठबंधन सरकार 10 लाख लोगों को रोजगार देगी। श्री यादव रविवार को प्रदेश राजद कार्यालय में समाजवादी नेता यूसुफ मेहर अली के सम्मान में आयोजित परिचर्चा को जो है यहाँ पर संबोधित कर रहे थे। तो काफी बड़ी यहाँ पर जानकारी उन्होंने दी है कि 2025 में जो है हम यहाँ पर बड़ी वैकेंसी निकालेंगे, इसलिए जो बीएड और डीएलएड के जो छात्र जिन्होंने बीएड कर रखा है या डीएलएड कर रखा है उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि पहले ही ये बात क्लियर हो चुकी है कि हर साल अगस्त के महीने में शिक्षक भर्ती निकलेगी, और ये शिक्षक भर्ती प्राइमरी की भी होगी, जूनियर की भी होगी, माध्यमिक की भी होगी और उच्च माध्यमिक की भी होगी, यानी सभी वर्गों में वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से करते रहिए। बिहार सरकार ने अगर ये बोला है तो जाहिर सी बात है वो काम करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो सरकार बोलकर मुकर जाती हो। आप देख रहे हैं लगातार वैकेंसी बिहार में आ रही है, तो इसलिए आप लोग तैयारी करते रहें, आप लोगों को यहां पर बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली जो अपडेट है वो है आईडीबीआई बैंक में 2100 पदों पर वैकेंसी निकली है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की व एग्जीक्यूटिव के जो पद खाली हैं उस पर वैकेंसी होगी। 6 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, तो आवेदन इसका शुरू है, आप लोग आवेदन अभी भी कर सकते हो। और इसकी जो ऑफिशियल साइट है वो है idbibank.in, यहां पर जाकर आप लोग जो है नोटिफिकेशन को पूरा रीड कर सकते हो और साथ ही साथ आप लोग जो है आवेदन भी कर सकते हैं। वहीं पर 8,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी जो है एसबीआई में भी आई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी। 7 दिसंबर 2023 आप यहां पर देख सकते हैं इसकी आवेदन, sbi.co.in पर जाकर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप फॉर्म को डाल सकते हैं। वहीं पर अब हम बात करते हैं एनआईओएस डेलेट को लेकर के। तो एनआईओएस डेलेट पिछले बहुत दिनों से, जब से एनआईओएस डेलेट छात्रों ने कोर्स किया है तब से विवादों में एनआईओएस डेलेट का कोर्स रहा है। किसी भी राज्य में वैकेंसी आती है तो एनआईओएस को शामिल नहीं किया जाता है, फिर हाईकोर्ट में केस होता है और हाईकोर्ट से फिर वो जीत जाते हैं। मामला ऐसे धीरे धीरे करते करते सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, लेकिन अब इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है क्योंकि अब आप लोगों का जो ऑर्डर है वो 28 नवंबर को आ रहा है। टेंटेटिवली जो केस में भी लिस्टेड ऑन 28 नवंबर 2023, तो 28 नवंबर को डेट इसकी फिक्स हो गई, यानी कल जो है इसकी महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। और उम्मीद यही है कि एनआईओएस को जीत मिल जाए, बाकी आप लोग भगवान से प्रार्थना करते रहिए, जो भी हो अच्छा ही हो। ठीक है, ये रही आज की अपडेट, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।